हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप मैन, आपका दोस्त। और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज आता हूं आफ्टर मार्केट आवर्स और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बताता हूं, उसके साथ तीन स्टॉक को लेकर डिस्कस करता हूँ जिन पे हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल ट्रेड कर पाएंगे उस टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, कल तो मार्केट ऑफ है, मंडे के लिए व्यू रहेगा इसके ऊपर। तो दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसको नहीं देखा तो आपने जाके देख लीजिए, एपिसोड नंबर 151। वहां पर मैंने आज के मार्केट के ऊपर जो व्यू है वो बताया था और वहां पर तीन व्यू भी दिया था, तो उसको पहले मैं रिव्यू करूंगा। तो आपको अगर नहीं देखा उसको एपिसोड 151 को, तो देख लीजिए ताकि आपको आसानी में समझने में आसानी हो, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई एडवाइजर भी नहीं हूं, मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूं। और मैं जो ट्रेनिंग देता हूं और इसके ऊपर एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो डालता हूं आप लोगों के हेल्पिंग पर्पस, ठीक है। सो दिस वीडियो इज प्योरली प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और एक बात दोस्तों, मेरा जो बाजार इनसाइट जर्नल का सर्विस है उसका एक अपडेट वीडियो कल तो मैंने दिया था, और मार्केट में अगले वीक जाके क्या हो सकता है और उसके ऊपर तीन से चार स्टॉक के ऊपर मैं व्यू दूंगा। वो जो जर्नल सर्विस है वो वीकली दो वीडियो आता है, एक में वो संडे में डालता हूँ, एक सैटरडे संडे को एक वीडियो डालता हूँ जहां पर मैं तीन से चार स्टॉक को लेकर डिस्कस करता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस सारे चीजें, और निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ पूरा चार्ट के ऊपर एनालाइज करके, और उसके साथ तीन से चार अलग से जो सेक्टर है उसके ऊपर व्यू देता हूँ, और उसके सारे जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हम लोगों के मार्केट के अंदर क्या नया न्यूज आने वाला है सारे चीजें वहां पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो मंथली आपको 8 वीडियो मिलेगा इस सर्विस के अंदर। तो अगर आप मंथली इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं 999 उसका फीस है, और अगर क्वार्टरली में 3 महीने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं वो थोड़ा डिस्काउंट है 2399 का। तो वो वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट वीक के लिए जो वीडियो है वो आएगा संडे को, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब में वो नहीं आता है, वो एक अलग सा ऐप है मेरा, वहां पर आता है वो, ठीक है। तो उस सर्विस को अगर आपको ज्वाइन करना है उसके ऊपर अभी 10% डिस्काउंट भी है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मुझसे पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। अगर आप उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं कूपन कोड 10% डिस्काउंट वाला मैं आपको दे दूंगा, उसके ऊपर आप वो अप्लाई करके उसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको उसके अंदर जोड़ना है आप फ्रंट पेज बोर्ड के एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस ऐप का डाउनलोडेबल लिंक जो है मैं दे दिया हूं। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, बाजार इनसाइट जर्नल जो सर्विस है वो ज्वाइन करने के लिए अलग से लिंक यहाँ पर भी मैंने दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप कर सकते हैं, और कूपन कोड भी दे दिया हूँ। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते आप खाली मुझे व्हाट्सअप कीजिए, गिवन नंबर व्हाट्सअप मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ होने वाला है इस मार्केट के अंदर जो मैं शेयर करूंगा वहां पर। तो आपको अगर वो सर्विस चाहिए तो आप ले सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं, और कल का जो वीडियो मैंने बोला था उसको मैं अभी रिव्यू करूंगा। तो कल मैंने फर्स्ट जो व्यू दिया था सिप्ला के अंदर सेलिंग का व्यू दिया था, और वो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सिप्ला जब ओपन हुआ उसके बाद एक बहुत डाउनफॉल यहाँ पर हुआ था। अगर आप चार्ट को देखते हैं यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आ गया था पूरा, और यहाँ पर ये जो लो लगाया था सिप्ला के 738.15 का, हम लोगों का जो टारगेट था वो था 744 का, वो तो कब का हो चुका था, उसके बाद भी नीचे आया था। तो यहाँ पर लगभग 1.5-2% का प्रॉफिट हम लोगों का सिप्ला के अंदर मिला, उसके बाद ऊपर चला गया, चलिए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया था। सेकेंड जो मैंने दिया था वो था टाटा स्टील में सेल करने के लिए। तो टाटा स्टील का चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ओपन होने के बाद फिर से नीचे आया और यहाँ पर लो लगाया 681.4 का। हम लोगों का टाटा स्टील के अंदर 695 का टारगेट था, वो अचीव होने के बाद 2% के ऊपर यहाँ पर अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट मिला है टाटा स्टील के अंदर, ठीक है। थर्ड जो मैंने व्यू दिया था वो था एयरटेल को बाय करने, वट एयरटेल को बाय करने के लिए मैंने बोला था, वो आप देखिए मॉर्निंग में ये ओपन हुआ लेकिन ये इतना वो नीचे नहीं आया, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद पूरा दिन फिर से एक बार नीचे आया था, उसके बाद फिर से हाई लगाया 534.65 का हाई लगाया। हम लोगों का जो टारगेट था वाटी एयरटेल के अंदर वो था 527 का, वो तो यहाँ पर ही अचीव हो चुका था, ठीक है। तो तीनों कॉल के अंदर तीनों में ही टारगेट अचीव हो गया जो मैंने कल मैंने व्यू दिया था। तो उस वीडियो का अगर आपको देखना चाहिए आप मुझे आगे जाके मेरा जो वीडियो इसके अंदर 151 एपिसोड को देख लीजिए और इसके साथ मैच करवा लीजिए, अगर आपको देखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर जाएंगे और देख लेंगे उसके अंदर नेक्स्ट डे जाके क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट।
दोस्तों ये है निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि निफ्टी यहां से नीचे आने वाला है, और ये आपको मैंने बोला था कि ये 200 डीएमए के ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है, 14,300 के आसपास कुछ ये लेवल बना सकते हैं। तो आज वही हुआ, 14,350 का लो लगाया, उसके बाद पूरा बाउंस बैक करके ऊपर चला आया और 14,787 का हाई और 14,733 का इसका क्लोजिंग आया है। लेकिन यहाँ पर क्या ये पूरा चाल चल चुका है, ये ऊपर से ऊपर जाने वाला है, ये बोलना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि पूरा ये जो गैप था ये फिलअप नहीं किया इसने, उसके पहले से ही ऊपर चला गया। ये ट्रेंड लाइन तक ये तो एटलीस्ट आना चाहिए था, लेकिन वो पूरा फिल अप नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। लेकिन एक सिग्निफिकेंटली बात ये है कि ये 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक तो एक बार किया था, लेकिन जो क्लोजिंग आया है उसके नीचे आया है। तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि फिर से ये नीचे की तरफ एक मूव दे दे, ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, लोग यहाँ पर बाय करके उसके बाद फिर से नीचे आ जाए। पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी वही है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से ये नीचे आ जाए, ठीक है। और ये लेवल तक ये एक बार आना चाहिए, 14,250 के आसपास एक बार ये तो दिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे के लिए इसका जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर ऊपर ना उसके बाद गिरे, और यहां से अगर गैप डाउन भी होते हैं तो ये इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 14,850 का रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ इसका जो डेली बेसिस चार्ट का सपोर्ट रहेगा वो नेक्स्ट डे के लिए रहेगा 14,500 का। उसको अगर ब्रेक करे बहुत नीचे आ सकता है, फिर से ये 14,300 तक आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में भी हाई लगाया, लेकिन फिर वही बात, ये ट्रेंड लाइन कल आप लोगों को ने मैंने बोला था वहां पर ही देखिए ये सपोर्ट ले लिया। कल मैंने क्लियरली बोला था आप लोगों को 33,400 के आसपास कुछ है, वहां पर जाके ये सपोर्ट ले सकता है, वही हुआ। आप देखिए नीचे आया और आज किसका लो लगाया 33,362 का, 34,351 का हाई और 34,115 का इसका क्लोजिंग आया है। लेकिन एक बात फिर से, इसका जो गैप था यहाँ पर ये फिल अप नहीं हुआ, और ये जो गैप था यहाँ पर ये फिल अप नहीं हुआ पूरा, और फिर ऊपर चला आया और ये 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोज हुआ। तो पॉसिबिलिटी ये है फिर से ये नीचे की तरफ मूव दे दे, तो नेक्स्ट डे के लिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 34,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट रहेगा 33,500, उसके बीच का ट्रेड हो सकता है। तो नेक्स्ट डे अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने के बाद तीन स्टॉक को लेकर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो पहले वाला स्टॉक कौन सा वाला रहेगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मंडे के लिए फास्ट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज देखिए कैसे रहा, बैंक निफ्टी की तरह ही एक्ट किया, आज थोड़ा नीचे गया फिर से ऊपर आया, 588.75 इसका हाई, 570.2 इसका लो और 586.25 का इसका क्लोजिंग आया है। तो दोस्तों इसका भी अभी जो सिचुएशन है, ये अगर बैंक निफ्टी फिर से नेगेटिव होता है तो ये नीचे चला आएगा, और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है, ये आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आप ट्रैप हो रहा है, यहाँ से फिर से नीचे आने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। अगर कुछ अच्छा न्यूज आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो टेक्निकल व्यू मैं बता रहा हूं वो तो मैं न्यूज क्या आएगा बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन टेक्निकल जो व्यू मैं बता रहा हूं ये अभी भी वीक है और ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको सेल करेंगे इंट्राडे के लिए मंडे को, और अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेगा तभी जाके आईसीआईसीआई बैंक को हम लोग यहां से सेल करेंगे। लेवल रहेगा सेल आईसीआईसीआई बैंक नियर 586, स्टॉप लॉस लगाएंगे 592 का और टारगेट होगा 570 का, ठीक है। ICICI बैंक सेल नियर 586, स्टॉप लॉस 592 और टारगेट रहेगा 570 का। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव होगा तभी जाके इसको अंदर हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट व्यू जो हम लोग ICICI बैंक में कर पाएंगे। सेकंड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है 1-2 इंट्राडे में, वो मैं इक्विटी के अंदर जो होता है शेयर करता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट। तो आज भी वहां पर हम लोगों ने किया, एक स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक के अंदर टारगेट हिट हुआ। तो जैसे कि ऐसे यहां पर होता रहता है तो मार्केट के अंदर, तो लास्ट कुछ वीकों में इसका जो परफॉर्मेंस है मैं यहां पर पोस्ट कर दिया हूं, आप देख सकते हैं उसके अंदर लास्ट 8 वीक से यहां पर कैसे रहा वो मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने पोस्ट भी किया उस चैनल के अंदर कि लास्ट 8 वीक में यहाँ पर हम लोगों को क्या परफॉर्मेंस आया है, ठीक है। तो लास्ट 8 वीक में यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉल दिया था, हम लोग जो ट्रेड किए थे इसके अंदर लास्ट 8 वीक में, वो था हम लोगों 38 ट्रेडिंग डेज आया है और उसके अंदर 36 कॉल्स के अंदर हम लोग काम किए हैं, उसके अंदर 26 के अंदर 25 जो है प्रॉफिट में निकला है, 8 जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 3 उसके अंदर हम लोग एग्जिट किया है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो डे टू वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपके सामने पूरा तो नहीं आएगा वो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप उस ज्वाइन करने के बाद तो देख पाएंगे पूरा डे टू वाइज वहां पर मैंने कैसे दिया था। टोटल 36 कॉल के अंदर
25 जो है हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है, 8 लॉस और 3 हम लोग एग्जिट किए हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। तो लास्ट 8 वीक से यानी कि 2 महीने से 74% विन रेट वहां पर आया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर, और वहां पर हम लोग आपको 399 पे करना पड़ेगा। अभी करेंगे तो मंडे से वो काउंट होगा, कोई बात नहीं, मैं मंडे से काउंट करूंगा उसको। 399 फॉर ए मंथ उसका आपका फीस रहेगा। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप वहां पर मुझसे बात करके मेंबरशिप ले सकते हैं। और एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन, वहां पर मैं काम करता हूं। तो लास्ट महीने में 374 पॉइंट होल मंथ में हम लोगों ने कमाया था, इस महीने भी आपके सामने स्क्रीनशॉट है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस महीने अभी तक हम लोगों ने डेट वाइज दे दिए है यहां पर 295 पॉइंट का प्रॉफिट किया है। आज ही हम लोगों ने 120 पॉइंट का प्रॉफिट किया है, टोटल 290 पॉइंट टिल डेट आज की तारीख पर ये 19th of March तक हम लोगों ने कमाया है। तो इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के यहाँ पर मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है वो बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय के ऊपर वो मैं पोस्ट करता हूँ, और जब निकलना होता है लाइव मास के असिस्टेंस भी देता हूँ, जैसे कि इक्विटी अंगर देता हूँ। तो इसका जो फीस है 499 है, तो अभी करेंगे तो मंडे से काउंट होगा एक ही बार, और इसके अंदर भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, जो भी करना है आप इक्विटी के अंदर 399 और ये बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर 499 जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने से बाद सेकंड व्यू हम लोगों का रहेगा, सेकंड व्यू जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस के अंदर, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, इन्फोसिस का चार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग चार्ट देख रहा है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट लेते हुआ और स्ट्रॉन्ग आज यहाँ से कमबैक किया, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है। आज का इसका हाई था 1354.95 का, 1318 का लो, 1348.95 के इसका क्लोजिंग आया। तो इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट डे इसका जो सेक्टर है दोस्तों वो है निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी अगर पॉजिटिव रहेगा तो इन्फोसिस को हम लोग यहाँ से बाय करके चलेंगे, ठीक है। लेवल रहेगा इन्फोसिस बाय नियर 1340, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1325 का, और इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा 1365 का। इन्फोसिस बाय नियर 1340, स्टॉप लॉस रहेगा 1325 का और टारगेट रहेगा 1365 का, ठीक है। तो ये था दोस्तों सेकंड व्यू, जो हम लोग अगर निफ्टी आईटी पॉजिटिव रहेगा इन्फोसिस को बाय करके चलेंगे। थर्ड व्यू में जाने से पहले आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, भूल जाएंगे अभी कर दीजिए। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजार इनसाइट को डेली बेसिस आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो डेली बेसिस में वीडियो डालता हूं तो उसको आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और एक बात, मेरा जो बाजार इनसाइट जर्नल का सर्विस है उसका एक डेमो वीडियो भी इस वीडियो का आई बटन में मैंने जोड़ दिया है। कमेंट सेक्शन में जाइए, फर्स्ट कमेंट में उसका डेमो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है, डेमो वीडियो को जरूर देख लीजिए। वहां पर एक स्टॉक के ऊपर भी मैं व्यू दिया था कैसे रहा, वो भी आप देख लीजिएगा डेमो वीडियो को। तो उसका जो मंथली फीस है 999 स्विंग ट्रेड के ऊपर मैं देता हूँ, क्वार्टरली अगर करेंगे तो 2399 और उसके ऊपर भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड मैं दे दूंगा, उसके बाद प्रोसेस बता दूंगा कैसे उसके अंदर ज्वाइन करना है। वो उसका जो नेक्स्ट वीक के लिए पूरा वीडियो आएगा वहां पर, पूरा मैं पैकेज के हुआ कैसे रहता है। आप जितना टाइम उसके अंदर नहीं ज्वाइन करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कितना चीजें रहता है, 3-4 स्टॉक रहता है, 3-4 सेक्टर रहता है, पूरा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट के साथ हम लोगों का मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर मैं डिस्कस करता हूँ। पूरा चार्ट में एनालाइज करके दिखाता हूँ और पूरा क्लियरली बताता हूँ कहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, कहाँ तक ये जा सकता है, पूरा एक पैकेज आपको मिलेगा। तो उसका डेमो वीडियो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके फास्ट कॉमेंट में आप देख लीजिए। तो अगर आप उसके अंदर ज्वाइन करना है खाली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। वो आपका 10% जो डिस्काउंट है वो आज शाम तक रहेगा, तो अगर आपको करना है तो आज ही करना होगा, अदरवाइज आप 10% डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, अब आगे बढ़ने के बाद थर्ड व्यू देख लेते हैं, और देख लेते हैं थर्ड व्यू कौन सा वाला स्टॉक के अंदर हम लोग का रहेगा। तो दोस्तों थर्ड व्यू जो रहेगा एक्सिस बैंक के ऊपर रहेगा। हालांकि एक्सिस बैंक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन कल वो थोड़ा था, आज भी ओपन नीचे ही हुआ था। आज का इसका हाई था 729 का, 703.5 का लो और 725 का क्लोजिंग आया है। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से आप देख सकते हैं ये लेवल तक ये आना चाहिए, ये अभी तक पूरा नहीं किया है। तो ये हम लोग मंडे को अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेगा ऐसे बैंक के साथ हम लोग एक्सिस बैंक को भी शॉर्ट सेल करके चलेंगे। तो एक्सिस बैंक जो लेवल रहेगा, एक्सिस बैंक सेल ऑन 727, स्टॉप लॉस रहेगा 735 का और टारगेट रहेगा 712 का। एक्सिस बैंक सेल ऑन
727, स्टॉप लॉस 735 का और टारगेट रहेगा 712 का। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेगा तो इसको हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों मंडे के लिए हम लोग तीन स्टॉक के ऊपर व्यू। मेरा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का मेंबर है, आप लोगों का स्पेशल एपिसोड जो है वो कल आ जाएगा। ठीक है, तो कल मैं उसको दे दूंगा आप लोगों को, कल या परसों संडे तक आ जाएगा। और बाजार इनसाइड जर्नल का जो मेंबर है, आप लोगों का वीडियो संडे को आएगा उस फ्रंट पेज ऐप के अंदर, तो वहां पर बहुत सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे दिमाग पे है, बहुत अच्छा जगह पर मार्केट अभी है, यहाँ से और थोड़ा नीचे जा सके वो तो हम लोग डिस्कस वहां पर जहां तक जा सकते हैं पूरा डिस्कस वहां पर कर दूंगा कि मैक्सिमम कहां तक ये जा सकते हैं। और यहां से अगर रिवर्स लेते हैं, कौन कौन सा स्टॉक मार्केट गिरेगा अभी तो वो नहीं गिरेगा, कौन कौन सा स्टॉक मार्केट के साथ ज्यादा गिर सकता है, तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल वहां पर मैं बता दूंगा 3 से 4 स्टॉक को लेके, तो वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो अब चलता हूं आप लोगों के साथ, फिर से मंडे को मिलेंगे आफ्टर मार्केट आवर्स। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।